जय हिंद दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 के फिजिकल को लेकर काफी ज्यादा बैठते हुए कमेंट्स आ रहे थे, तो यहां पर बात करने वाले हैं कब तक फिजिकल होगा। और मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर फिजिकल होता है तो पहले एसएससी जीडी का फिजिकल होगा, उसके बाद में बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों का फिजिकल करवाया जाएगा। तो यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों कब से आप लोगों के यहां पर फिजिकल शुरू हो सकते हैं, फिजिकल के कितने दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे, साथ ही बात करने वाले एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है जो कि बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी सभी के सेंटरों में चल रहा है। ऐसे में फिजिकल में दोस्तों कितने कितने बच्चों का बैच बनाया जा रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस आप लोगों का रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों के भी 5 किलोमीटर की रेस यहां पर होने वाली है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। अगर आप भी बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2022 के अभ्यर्थी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली बीएसएफ ट्रेड्समैन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों एसएससी जीडी का कैलेंडर जारी हो चुका है और एसएससी जीडी की जो ऑनलाइन की डेट है वो भी आ चुकी है। काफी बड़ा रिक्रूटमेंट आ रहा है। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चाक्सू पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की आ चुकी है, जो की संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है, जिसमें 2500+ बहुविकल क्वेश्चन, 3 आपको सोलवर्ड पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं जो की एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए। काफी अच्छी गाइड है। साथ ही दोस्तों इसके गाइड के साथ ही इसका कॉम्बो ऑफर भी आ चुका है, जिसमें इसका प्रैक्टिस वर्क बुक भी आप लोगों को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट के साथ ही 9 सॉल्वर्ड पेपर मिलेंगे, जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए पेपर होंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही बुकों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर। अब बात करते हैं दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल कब तक होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो चल रहा है दोस्तों 18 तारीख से और 9 जून तक इन लोगों का फिजिकल चलने वाला है। और आप सभी को पता है दोस्तों इसकी जो नोडल एजेंसी है फिजिकल कंडक्ट करवाने वाली वो सीआरपीएफ है, और सीआरपीएफ फिजिकल शुरू करने से पहले मीटिंग करती है जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनसे। बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी असम राइफल सभी से मीटिंग करके ये पूछा जाता है कि सबसे पहले हम एसएसबी जो आपकी एसएससी जीडी का फिजिकल करवा रहे हैं तो उस पे आपको फिजिकल करवाना होगा, और जैसे ही फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके डिपार्टमेंट के जो भी फिजिकल है वो आप कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसी बीच दोस्तों एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है और 9 जून का इन लोगों का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिजिकल से मात्र 15 दिन पहले ही आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होने वाले, तो ऐसे में आप दोस्तों एडमिट कार्ड के चक्कर में ना रहे, फिजिकल की तैयारी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी का भी जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो 15 दिन पहले ही जारी हुए थे। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, 80, 85 या 90 तक जिनके नंबर बन रहे हैं रिटर्न में, लेकिन वो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। तो आपके पास में काफी समय बचा है दोस्तों, और इस समय में अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप आराम से बीएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों एसएससी जीडी में फिजिकल चल रहा है तो उसमें 100-100 बच्चों के बैच बनाए जा रहे हैं, और एवरेज दोस्तों जो पहला बैच है उसमें 60 से 65 या 70 तक बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है उसके बाद में दोस्तों आगे के बैचों में बहुत ही कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा गर्मी है और गर्मियों की वजह से बच्चे रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों का जो फिजिकल है वो जून में होने के चांसेस है, ऐसे में जून में भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। आप घर पे अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तभी आप इस बार रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है, 2700+ पदों का ये रिक्रूटमेंट है। इसके बाद में दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट, नया रिक्रूटमेंट आपको लंबे समय तक देखने को नहीं मिलने वाला है, तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी आप बर्बाद ना करें, आप अच्छी तैयारी कीजिएगा। और लगभग बात करें तो जून 5 तक आपके एडमिट कार्ड भी आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों बीएसएफ नोटिस जारी नहीं करेगी, आपको डायरेक्टली आपके एडमिट कार्ड ही आने वाले, और वो फिजिकल से मात्र 15 दिन पहले ही आप लोगों को देखने को मिलने वाले। सभी के पास मेल व मैसेज भी आएंगे, साथ ही दोस्तों आप अपने आईडी पासवर्ड डाल के भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने कौन से ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया है, साथ ही आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।